सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो इस वीडियो में बात करने वाले केंद्रीय विद्यालय के जो पूरे देश के जितने भी केवी है उन सभी का जो हॉलीडे रहते हैं, जो समर वैकेशन, ओटम ब्रेक या फिर विंटर ब्रेक रहते हैं, उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको सभी केंद्रीय विद्यालय का रीजन वाइज आपको बता देता हूँ कि कौन से केंद्रीय विद्यालय की कब कब छुट्टियाँ रहेंगी, ताकि आप अपने जो वैकेशंस हैं वो प्लान कर सकते हैं। बच्चे कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी आप आराम से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी पता लग जाएगा कि आपके बच्चे की छुट्टियाँ कब से कब तक रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। अभी बात कर लेते हैं जो रीजनल ऑफिसेज आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, एक्सेप्ट केवी, माहे, हैदराबाद, मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर एंड भोपाल। इन केंद्रीय विद्यालय की जो समर वैकेशन रहेंगी वो मई 2 से शुरू हो चुकी हैं और जून 20 तक रहेगी। 50 डेज की रहेगी समर वैकेशन। इसके बाद ओटम ब्रेक रहेगा, वो रहेगा 8 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक 10 डेज का ओटम ब्रेक रहता है। और इसके बाद विंटर ब्रेक 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक 2025 तक, ये 10 डेज का विंटर ब्रेक रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट रीजन की बात कर लेते हैं जो कि आपका जबलपुर रीजन रहेगा। इसमें समर वैकेशन रहेगी जो 12 मई से लेके 20 जून तक रहेगी। 40 डेज का रहेगा ये समर वैकेशन। इसके बाद ओटम ब्रेक रहेगा 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 10 डेज का ओटम ब्रेक रहेगा। और ऐसे ही विंटर ब्रेक में 24 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 20 डेज का रहेगा विंटर ब्रेक। इसमें विंटर ब्रेक थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, उसमें 10 डेज के थे, इसमें 10 और 20 डेज का है। इसके बाद आ जाते हैं ऑल केंद्रीय विद्यालय ऑफ एर्नाकुलम डिवीजन एंड केंद्रीय विद्यालय माहे चेन्नई डिवीजन। जैसे कि माहे डिवीजन का वहाँ पे नहीं बताया गया था, अब यहाँ पे उसको बताया गया है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय माहे का यहाँ पे समर वैकेशन उनकी रहेगी 4 अप्रैल 2024 से लेके 5 मई 2024 मंडे तक, 50 डेज का रहेगा ये। इसके बाद ओटम ब्रेक रहेगा वो 8 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक, 10 डेज का, ठीक है, 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 10 दिन का रहेगा ये। इसके बाद विंटर ब्रेक रहेगा 24 दिसंबर से 2 जनवरी 2025, 10 डेज का। ठीक है, ये क्यों डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि हर जगह का जो वेदर है अपने देश का वो अलग अलग रहता है। कहीं पे यदि ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी स्टार्ट हो जा रही है तो वहाँ पे समर वैकेशन जल्दी स्टार्ट हो जा रही है, जहाँ पे विंटर जल्दी स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे विंटर वैकेशन, और जो ये ओटम ब्रेक है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम रहता है। ठीक है, और जो एक और चीज़ है, जो विंटर वाले एरिया है वहाँ पे आपकी जो छुट्टियाँ हैं ये समर वैकेशन वाली 10 डेज की होती है और विंटर वाली वहाँ पे बढ़ जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंट्रल स्कूल ऑफ विंटर प्लेसेस फॉलिंग अंडर देहरादून डिवीजन। ठीक है, देहरादून जो डिवीजन के अंदर में जो आते हैं उसमें समर वैकेशंस हैं वो 14 मई 2024 से और जून 6 2024 तक 20 डेज के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो ओटम ब्रेक है वो 8 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे, 10 डेज का। इसके बाद जो विंटर ब्रेक है वो यहाँ पे 40 डेज का रहने वाला है, दिसंबर 14 से 2024 से जनवरी 22 2025 तक रहेगा। ये 40 डेज का विंटर ब्रेक रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं समर वेकेशन ओनली 20 डेज का है, ओटम ब्रेक एज इट इज है 10 डेज का, जिसका और सभी का है विंटर ब्रेक, दैट इज 40 डेज, इनका 40 डेज होता है। इसके बाद आ जाती है जो एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में रहते हैं, ठीक है, उनकी इंक्लूडिंग केवी जो ये आपको दे रखा है, एक्सेप्ट केंद्रीय विद्यालय ऑफ विंटर लोकेशन फॉलिंग अंडर देहरादून डिवीजन। ये कह रहा है कि देहरादून वालों को छोड़ के जो भी कोल्ड एरिया में केवी हैं उनका, ये जैसे कि जो J&K एरिया में, जो एरिया में है जैसे कि हाई अल्टीट्यूड पे, जिधर जैसे श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, इनकी जगह की है ये। श्रीनगर का एरिया हो गया, लेह का हो गया, यहाँ पे आपका ये जो समर, ये जो वैकेशंस हैं ये फॉलो होंगी। ठीक है, इसमें समर वैकेशन 15 मई से स्टार्ट होंगी और आपकी 25 मई, ओनली 10 डेज की समर वैकेशन होती है। ये जो रीजन आता है कोल्ड एरिया वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ओटम ब्रेक है वो ओनली 10 डेज का, जैसा और सभी का रहता है वो भी यहीं पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो विंटर ब्रेक रहता है 4 दिसंबर 2024 से लेके 22 जनवरी 2025 तक, 50 डेज का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे विंटर ब्रेक 50 डेज का हो जाता है, जो एक्सट्रीम कोल्ड एरिया वाले हैं ये, इनमें जैसे विंटर ब्रेक ज़्यादा होता है और समर वैकेशन
10 डेज का होता है ओनली, ठीक है, जो कि 20 15th मई से स्टार्ट हो रहा है, जो अभी से स्टार्ट हो रहा है। धन्यवाद।